रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह इतने मायूस हुए कि उनके रोड शो में कोई पहुंचा ही नहीं। कैमरे पर उन्होंने इस बात को कबूल किया कि भाई मेरे रोड शो में तो सिर्फ बाइक पर सवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, क्या और लोग नहीं जुटे थे। मगर दिलचस्प खबर सिर्फ ये नहीं है, एएनआई ने गलती से वीडियो जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया दोस्तों, मगर फिर अदृश्य ताकतों की दबाव में उसे हटा भी दिया गया। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें और ध्यान से सुने अमित शाह क्या कहते हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। तो सुना आपने अमित शाह को, और ये वीडियो जो है थोड़ी देर बाद एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की रोड शो में भीड़ नहीं जुट रही, और जब इस बात को उन्होंने खुद ने स्वीकारा तो एएनआई ने उसे हटा दिया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर अमित शाह के रोड शो में लोग नहीं जुट रहे हैं तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बतला सकता हूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरे बौखलाहट मूड में है, बुरी तरह से डेस्परेट है, और इस कदर से डेस्परेट है कि वो सांप्रदायिक जहर जोरों से झोंक रही है, लगातार झोंक रही है। अब हमें यह देखना है कि क्या जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, मगर वो बौखलाहट हम सभी स्तरों पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बयान नहीं दिए मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगा, और यही नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा मुद्दों पर उन्हें कैसे घेर रही हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कर रही है ना वो उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। क्या आप जानते हैं कि रविवार को एक नहीं दो नहीं बल्कि कांग्रेस के चार चार नेताओं के घर पर रेड मारा गया। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए, अरविंद चौहान नाम के नेता के घर पर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है। अब आप कहेंगे अरविंद चौहान कौन है, अरविंद चौहान दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक हुआ करते थे, इन्हें टिकट नहीं दी गई और ये कांग्रेस में शामिल हो गए, और फिर भाजपा ने यानी भाजपा सरकार ने उनके घर पर रेड मारी। अब ये रेड देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि वाहिद अली जो कि माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है दोस्तों, उनके वहां कांग्रेस के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, उनके वहां पर रेड मारी जा रही है वाहिद अली के घर पर। अब देखिए कांग्रेस के दो और नेता राजीव बोरा और वेंकटेश सका इलकल में इनके घर हैं और उनके यहां पर भी रेड मारी जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया था। मगर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी है, रविवार को एक ऐसे वक्त जब चुनाव आचार संहिता लागू है फिर भी इनकम टैक्स रेड मार रही है, मगर बात वहां नहीं रुकती है। मैं आपको बतला दूं चुनाव आयोग ने क्या काम किया है जो उसने आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं किया। याद कीजिए दोस्तों कि कांग्रेस ने ये जो विज्ञापन है वो तमाम अखबारों में दिया था। इस विज्ञापन में क्या था, इस विज्ञापन में कांग्रेस ने दावा किया था कि कर्नाटक में हर पद की एक कीमत है, मुख्यमंत्री को 2500 करोड़ में खरीदा जा सकता है, मंत्री को 500 करोड़ में खरीदा जा सकता है, और एक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, पोस्टिंग करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कहां कितनी रिश्वत लगती है। कांग्रेस ने बाकायदा ये रेट कार्ड पेश किया था और ये रेट कार्ड कर्नाटक के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर था। अब कांग्रेस ने किया क्या था दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि उसने पहले से ही तमाम अखबारों को बुक कर दिया था, उसकी बुकिंग कर दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी होश में नहीं थी, कांग्रेस ने पहले ही बुकिंग कर दी थी। अब चुनाव आयोग के जरिए भाजपा सरकार ने एक नया पैंतरा खेला है, और वो पैंतरा क्या है ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। चुनाव आयोग ने यह दिशा निर्देश तमाम अखबारों को जारी किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो विज्ञापन दे रही है उसकी पुष्टि अखबारों को करनी पड़ेगी। याद कीजिए दोस्तों चुनाव आयोग ने इसी विज्ञापन पर कांग्रेस को नोटिस भी जारी किया है
कि आप जो दावा कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया था। मगर दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो दंगे होंगे। ईश्वर अप्पा साफ तौर पर कहते हैं कि मुझे मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तक कहते हैं कि बजरंग बली की जय कहना और भाजपा के बटन को दबाना, और मैं आपको पहले बतला चुका हूं कि ये चुनाव आयोग के आचार संहिता का दिशा नंबर 1 और दिशा नंबर 3 का उल्लंघन है। मगर चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अब सिर्फ कांग्रेस पर दबाव नहीं डाला जा रहा चुनाव आयोग के जरिए, अखबारों पत्रकारों पर भी दबाव डाला जा रहा है। दोस्तों, ये सब क्या बतला रहा है? जो मैंने अभी अभी आपको 3 मिसाल दी उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है दोस्तों कि बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और वो जीत के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। मगर उसे समझना पड़ेगा कि ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं हैं, और कृपया उन लक्ष्मण रेखाओं को पार न करें। कुछ भी अनर्गल बयान देना दोस्तों, मुख्य विपक्षी दल को आतंकवादी तक बता देना, प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री, आतंकवाद वो होता है जब एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। और किस तरह से प्रियंका गांधी ने आतंक की कई मिसालें दी, खुद सुनिए दोस्तों। आज चुनाव का समय है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कर्नाटका में हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ये बात क्यों कह रही है दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस को आतंकवाद से जोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। दोस्तों, जब हम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तुष्टीकरण भारत के अंदर बसे किसी समुदाय का हो सकता है, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मुसलमानों का नाम लिए बगैर उसका जिक्र कर रहे हैं और मुसलमानों को सीधे तौर पर आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छोटे छोटे मुद्दे पर चुनाव आयोग जो है वो कांग्रेस को नोटिस दे रहा है, मगर प्रधानमंत्री खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात किसी को हैरत में नहीं डालती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आतंक के मायनों को समझना है तो समझिए कि आप कुछ धन्ना सेठों का खुलेआम किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, अडानी का नाम लिए बगैर उन्होंने किस तरह से हमला किया आपकी स्क्रीन पर। इंदिरा जी ने नए मैंगलुरु का पोर्ट बनाया, न्यू मैंगलुरु पोर्ट। नेहरू जी ने बेंगलुरु का हवाई अड्डा तब बनाया। अपने समय में क्या हुआ, दोनों बेच दिए गए। किसको? और क्यों? इस देश के सारे पोर्ट, इस देश के सारे एयरपोर्ट, इस देश की पूरी संपत्ति, इतने बड़े बड़े PSU जिससे आप सबको नौकरियां मिलती थी, आपको रोजगार मिलते थे, इसीलिए तो बनाए गए थे।
ये सब एक या दो लोगों को क्यों बेचे जा रहे हैं? और अगर ये आतंक नहीं है तो क्या आतंक है? प्रियंका का साफ तौर पर कहना था कि मुद्दे पर आइए, और जब तक मुद्दे पर नहीं आएंगे कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते रहेगी कि आप आए बाएं साएं क्यों जा रहे हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं आते, कर्नाटक की दुर्दशा क्यों है डबल इंजन सरकार के होते हुए, किस तरह से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री को आड़े हाथों ले रही है, आइए सुनते हैं। जब से ये कैंपेन शुरू हुई है हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, हम बीजेपी की नेताओं को और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। तो जब मैंने देखा मूडबिड्री से आते हुए कि चुनाव में शायद पहली बार के लिए प्रधानमंत्री जी महंगाई, विकास और आपके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे थे तो मैं बहुत खुश हुई। आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। एक कविता का अंश था ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। मैं समझाती हूँ। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ना वो वाकई कई लोगों को हैरत में डाल रही है। मसलन मैं आपको उनके दो बयान सुनाना चाहता हूं। पहले बयान में सुनिए कि किस तरह से नीम हकीम के जो उपचार प्रधानमंत्री ने कोरोना की पहली लहर में बताए थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने टिप्पणी की थी, उसे प्रधानमंत्री ने किसानों से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि भाई कोरोना की लहर के दौरान जब मैंने कहा था कि कोरोना के इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी काम आती है, तो कांग्रेस ने हल्दी और मसाले से जुटे किसानों का अपमान किया है। क्या मोदी जी, कहां की बात आप कहां जोड़ रहे हैं? कहां हल्दी को लेकर कांग्रेस का बयान जो उसने दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता। अब इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोरोना के इलाज में हल्दी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करती है। चलिए काम करती भी होगी क्योंकि हम जानते हैं कि हल्दी के अपने चमत्कारी गुण हैं, मगर हल्दी को और कांग्रेस के उसके कथित बयान को आपने कर्नाटक के किसानों की बदहाली के साथ जोड़ दिया। और बात यहां नहीं रुकती है, एक और बयान सुनिए कि कांग्रेस मुझ पर जहर उड़ेलती है मगर मुझे भगवान से उसकी ताकत मिलती है। कहा जा सकता है दोस्तों कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे ईश्वरप्पा हो, चाहे बसवराज बोमई हो, चाहे इनके छोटे मोटे तमाम नेता हो, अनर्गल बयान दे रहे हैं, कुछ भी बयान कर रहे हैं। याद कीजिए स्मृति ईरानी ने तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में झूठ तक कह दिया था, यह तक कह दिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सड़क पर बैठकर नमाज अदा कर रही थी, जबकि उन्होंने सिर्फ चादर चढ़ाया था। और यह काम तो प्रधानमंत्री ने भी किया था, स्मृति ईरानी ने भी किया था, प्रधानमंत्री ने तो कलमा पढ़ा था विदेशी जमीन पर जाकर, क्योंकि उन शेखों के साथ अच्छे बिजनेस ताल्लुकात जो बनाने थे। मुझे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, मुझे प्रॉब्लम दोहरे मापदंड पर है दोस्तों, मुझे प्रॉब्लम झूठ को लेकर है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अथाह ताकत है वो बार बार इस झूठ का इस्तेमाल करता है एक राजनीतिक हथियार के तौर पर। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग यही कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ बीजेपी की आलोचना क्यों करता हूं, मगर मैं आपसे पलटकर यह सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताइए ना कर्नाटक के चुनावों में क्या मुसलमानों के बारे में इस तरह से अपशब्द, क्या इस तरह से भड़काऊ बयान देना, क्या इस तरह से बजरंग बली का अपमान जिसकी चर्चा कोई मीडिया नहीं कर रहा है, यानी कि बजरंग दल जैसी संस्था जिसका इतिहास हिंसा का है उसे आपने बजरंग बली हनुमान से जोड़ दिया, और फिर आप उसी बजरंग बली के नाम पर खुलेआम वोट मांग रहे हैं,
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश में चुनावी आचार संहिता की धज्जियां सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उड़ाती है? हर चुनाव में देखिए दोस्तों, 2015 से मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे बिहार के चुनाव हों या उत्तर प्रदेश के चुनाव हों, उत्तर प्रदेश के दोनों चुनाव मैंने देखे, लोकसभा के चुनाव हों, बार बार इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी देती है, बीजेपी। और ऐसा नहीं कि कोई छुटभैया नेता दे रहा हो, ऐसा नहीं कि झूठ का प्रचार प्रसार सिर्फ इनका प्रचार तंत्र कर रहा हो, नहीं, उसमें प्रधानमंत्री का भी किरदार रहता है, जो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देश के गृहमंत्री का भी होता है, सम्मानित पद है, हम ये कैसे भूल सकते हैं। अब आप समझिए कि मैं अपने कार्यक्रमों में क्यों भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखता हूं, क्योंकि नंबर एक वो सत्ता में, नंबर दो वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और नंबर तीन हर पत्रकार का यह फर्ज होता है कि जो ताकतवर है सवाल उससे होगा। बुनियादी बात यही है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।